बताएं कि खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई है। दुनिया से लाखों से खालिस्तान की तहरीक को मजबूत करने लगे हैं। 18 सितंबर से पहले ही कैनेडा के सिखों का रद्दअमल मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। सिख रहनुमा का ये कहना है, खालिस्तान रेफरेंडम इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सिख स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, खालिस्तान मूवमेंट। हाल ही में आप लोगों ने खबरें देखी होंगी जिसमें कनाडा में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सिखों ने इसमें हिस्सा लिया। तो मैं अभी जब देखते हैं कि सिख कौन है, सिख बेसिकली संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और जिसको ड्राइव किया है फ्राम पोलिसिखा या शिशिया, जिसके माने हैं शागिर्द के, डिसाइपल के। इस मज़हब के जो बानी थे वो बाबा गुरु नानक थे, जो ननकाना साहिब पाकिस्तानी पंजाब में पैदा हुए। और इन्होंने बेसिकली बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड द वर्शिप ऑफ आइडल्स, बुतों की पूजा उन्होंने कहा ये हराम है। और सेकेंडली ही वॉज ए मोनोथीस्ट, हुई बिलीव जो था उनका बिलीव था इन वन गॉड। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इंटरेस्टिंग थी कि ये जो गोल्डन टेंपल है, जो हरी मंदिर इसको कहते हैं, इसकी बुनियाद जो थी हज़रत मियाँ मीर को उन्होंने, बाबा गुरु नानक ने स्पेशली बुलाया और उनसे इनकी बुनियाद रखवाई। सो इसलिए भी इसका ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड, थ्रू आउट हिज लाइफ बाबा गुरु नानक के साथ उनका एक मुलाजिम था, वो मुसलमान था, उसका नाम मर्दाना था। जब तक वो जिंदा है वो उनके साथ साथ रहे हैं। जब मुग़लों का दौर था तो बाबर और हुमायूं के दौर में इनकी काफ़ी मुग़ल्स के और सिखों की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन समहाउ अकबर के दौर में कहा जाता है अकबर वाज वेरी जेनरस टू सिख्स, स्पेशली जो ये जहाँ पे अभी गोल्डन टेंपल है वो ज़मीन अकबर ने सिखों को दी थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरी मंदिर। और इसी पे जिस तरह मैंने बात की कि मियाँ मीर ने जाके इसकी बुनियाद रखी थी। जो पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन, उसने सिखज़म को एक प्रॉपर रिलीजन के तौर पे एस्टेब्लिश किया। और जो नाइन्थ गुरु थे सिखों के, टोटल 10 गुरु हैं, लेकिन जो नाइन्थ गुरु थे सिखों के तेज बहादुर, कहा जाता है ही कन्वर्टेड सिख्स इंटू ए मिलिटेंट फ्रटर्निटी। और दल खालसा का उन्होंने एक ग्रुप का कंसेप्ट दिया। दल खालसा का मतलब था कि प्योर लोगों की पार्टी। इस दौरान में सिखों की, हिंदुओं की बड़ी कोशिश रही सिखों को काबू करने के लिए। और मेन टाइम में दे ट्राइड टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुगल्स एंड सिख्स। एक लाला ठाकुर दास थे, एक हिंदू थे, उन्होंने किताब लिखी कि सिख हिंदू हैं। लेकिन इसके फौरन इस जवाब में एक सिख थे कहान सिंह नाभा, उन्होंने किताब लिखी कि हम हिंदू नहीं हैं। तो जब इस तरह से प्रेशर सिखों पर डेवलप हो रहा था हिंदुओं की तरफ से, तो उन्होंने फिर अपनी वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस तरह हम सबको पता है शिरमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई ताकि मैनेज द अफेयर्स ऑफ गुरुद्वारा सिक्रास इंडिया। और यही प्रबंधक कमेटी थी जिसने अकाली दल की बुनियाद डाली, द आर्मी ऑफ इमॉर्टल्स। अब जब पार्टीशन जब होती है तो आपको, हमें सबको पता है सिख्स पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे और जितने जो कत्ल वगारत हुई इसमें मेजर रोल सिखों का इसमें रहा, और इस पर स्पेशली मास्टर तारा सिंह का बड़ा नाम लिया जाता है। जब सिख पाकिस्तानी पंजाब से माइग्रेट कर रहे थे तो उनसे प्रॉमिस किया गया था कि नेहरू ने भी और बाकी लीडर्स ने कि उनको इंडियन पंजाब में सेटल किया जाएगा, बट कंट्रेरी टू द प्रॉमिसेस वल्लभभाई पटेल जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, ही एंश्योर्ड कि सिख एक जगह पे कंसंट्रेशन ना हो और उनको उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में इंडिया में उनको भेजा ताकि वो वहाँ पे रहें, उनको ताकि वो एक थ्रेट वो समझते थे सिखों की कंसंट्रेशन एक जगह पे होगी तो इस पर थ्रेट होगी। 1966 में सिखों ने एक सेंस कहा हमें अपनी एक शिनाख्त के लिए, दे स्टार्टेड ए मूवमेंट फॉर द पंजाबी सूबा। और उन्होंने इसके साथ साथ ये डिमांड भी की गोरमखी जो लैंग्वेज है उनका ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाए। फिर अकाली दल जो उस वक़्त बन चुकी थी, उन्होंने फिर डिमांड किया कि सिखों को मोर स्पेशली इंडियन पंजाब जो है यहाँ पे सिख उस वक़्त बहुत मेजॉरिटी में थे, उन्होंने कहा इनको हमें अटानमी, मैक्सिमम अटानमी दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंजाब को उन्होंने डिवाइड किया,
कुछ इलाके हरियाणा को दे दिए हैं, कुछ इलाके उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दे दिए हैं और कुछ इसी तरीके से राजस्थान को चले गए हैं। और उन्होंने फिर ये कर दिया, जब ये तकसीम किया तो उन्होंने इसके साथ साथ चंडीगढ़ को एक जॉइंट कैपिटल बनाया बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, कंट्ररी टू द विशेस ऑफ सिक्स। सो 1973 में सिखों ने डिमांड किया कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी की उन्होंने दोबारा बात की। इस पे बड़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड किया जो हमारे इलाके आपने लेके हिमाचल प्रदेश में दिए हैं या हरियाणा में दिए हैं उनको आप रिटर्न करें और चंडीगढ़ को हमारा कैपिटल बनाएं सिखों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1980 में जनरल सिंह भिंडरवाला मंजर आम पे आते हैं और एज ए लीडर ऑफ सिख कम्युनिटी के तौर पे उसको माना जाता है उस वक्त। सो 1981 में जो 54 सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई चंडीगढ़ में, उसमें फर्स्ट टाइम दे आर डिमांडेड, पहले तो ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, इसमें उन्होंने कहा दे डिमांडेड फॉर ए फ्री खालिस्तान, जहाँ पर उन्होंने कहा सिख हो और उन्होंने फ्री खालिस्तान, और उन्होंने कहा इसमें एरियाज वो शामिल होंगे जो हरियाणा को दिए हैं वो वापस होंगे, हिमाचल प्रदेश एरियाज वापस आएंगे, पंजाब के एरिया पंजाब शामिल होगा, जो जम्मू इसमें शामिल होगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जी ये होगा खालिस्तान। खुशवंत सिंह जो एक सिख भी थे और बड़े मशहूर राइटर भी थे और डिप्लोमेट भी रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ही कोटेड बेसिकली जनरल सिंह ने क्या कहा, आई वुड लाइक टू रीड, एग्जॉटेड एवरी सिख टू किल 32 हिंदूज टू सॉल्व हिंदू सिख प्रॉब्लम। उन्होंने कहा इन दैट वे वी कैन सॉल्व द इशू, कि जिसमें वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि वो ज़्यादा मेजॉरिटी में हम कम है, तो एक हिंदू इतने अगर एक सिख इतने मारेगा तो ये हम इसको वंस फॉर ऑल हम इसको सेटल कर सकते हैं। सो दैट वॉज द मैंटेलिटी जो उस वक़्त के लोग जहनी तौर पर तैयार हो चुके थे बिहाइंड सनत जनरल सिंह भिंडरांवाला। सो देयर फॉर भिंडरांवाला के अंडर एक इंसर्जेंसी पंजाब में स्टार्ट हुई, पूरे पंजाब में स्टार्ट हुई और दे डिमांडेड फॉर ए खालिस्तान। और फिर ये हुआ कि जब ये पुलिस ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया और दरमियान से सिखों की किलिंग स्टार्ट हुई, तो भिंडरांवाला ने अकाल तख्त जो गोल्डन टेम्पल में जो जगह है वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहाँ से उन्होंने बेसिकली इंसर्जेंसी थी या प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उनको वहाँ से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इन रिस्पांस दे प्लान द ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ब्लू स्टार जो था, और सिखों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था ये इंडिया ने इंटेंशनली किया क्योंकि टॉक्स कामयाब हुई थी लेकिन हर दफ़ा किसी न किसी वजह से सम हो यो भी इसमें, चाहे वो एजेंसीज थे या हॉट लाइनर्स थे ये टॉक्स में, वो एवरी टाइम गवर्नमेंट बैकड आउट। सो 1 जून 1984 को ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड और गोल्डन टेंपल वॉज स्टॉर्म्ड। उस वक्त गोल्डन टेंपल के अंदर 10,000 के करीब जायरीन थे, 1,300 के करीब वर्कर्स थे और 500 लोग थे जो भिंडरांवाला के साथी थे जो उस वक्त गोल्डन टेंपल पे मौजूद थे। और ये वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल वॉज स्टॉर्म, 1955 में भी ऐसा हुआ था। सो ये गोल्डन टेम्पल जो थी, आप देखा जाए जगह जो है वो सिखों के लिए बहुत क्या है कि सेक्रेट प्लेस थी और उस पर वो जिस तरीके से उसकी वहाँ पे उसके साथ किया गया और जिस तरीके से सिखों को डिसरेस्पेक्ट वॉज शोन टू द गोल्डन टेम्पल, उसका बड़ा सीरियस इम्पेक्ट हुआ क्योंकि एक तो ये हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ सिक्स वर किल्ड, क्योंकि न सिर्फ इंडियन पंजाब की एंट्रीज एंड एग्जिट्स वर क्लोज्ड और इसके बाद ये ऑपरेशन हुआ था, थाउजेंड सिक्स जो इनोसेंट भी थे वो भी मारे गए हैं और इसके अलावा 700 के करीब इंडियन रिपोर्टेडली सोल्जर्स थे जो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। अब इसका रिएक्शन जो रिस्पॉन्स क्या आया, जो इंदिरा गांधी के साथ जो गार्ड्स थे वो सिख थे। सो 31 अक्टूबर 1984 को सिखों ने जो बॉडी उनके बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को एसेसिनेट कर दिया। और इसके साथ साथ जो सिख यूनिटें थी, क्योंकि सिख जो दे फॉर्म 20% ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज, तो वहाँ पे म्यूटनी हुई यूनिटों में, लोगों ने यूनिटों से डिजर्शन शुरू कर दिया
और जिसकी वजह से जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तो एंटी सिख राइट स्टार्ट हुई स्पेशली दिल्ली में, और इसमें यह था कि कहा जाता है कि रेडिकल हिंदूज को फ्री रन दिया गया टू किल सिक्स, क्योंकि सिख वो देखने में बड़े इजीली लगते थे बिकॉज ऑफ दियर बियर्ड एंड टर्बन, और सो दैट्स वाई वो सारे इस तरीके से इनोसेंट लोग मारे गए, और इट वॉज ए प्री प्लान। और ये चीज़ हकीकत में अभी भी रिसेंटली एक मूवी इंडिया ने ही रिलीज़ की है जोगी, उसमें भी यही बताया गया है कि इट वॉज प्लान फॉर थ्री डेज फ्री डेज, तीन दिन के लिए फ्री रन दिया गया था, जितने मिल सकते हैं जितने को मार सकते हो आप मारें। और इसके बाद जब किलिंग हुई, जेनोसाइड हुआ, तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया, इसको कहते हैं नानावती कमीशन। तो द कंक्लूजन ऑफ दैट कमीशन वाज इस वाज ए सिस्टमेटिक जेनोसाइड ऑफ सिक्स। अब सिखों ने इसके बावजूद इसके बाद क्या रिस्पांस दिया? सबसे पहले इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी 182 जो मॉन्ट्रियल से लंदन की तरफ फ्लाई कर रही थी, तो इट एक्सप्लोडेड इन मिड एयर, तमाम जो ऑन बोर्ड लोग थे वो सारे मारे गए हैं, एंड रिस्पांसिबिलिटी वाज टेकन बाय द सिक्स। और इसी तरीके से उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे इंडिया के, जिसने बेसिकली ऑपरेशंस को लीड किया या समझ लें अप्रूव किया या जिसके अप्रूवल के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जनरल एस वैदिया, इसको पूना में कोई 6 महीने बाद उसके रिटायरमेंट के छः महीने बाद उसको मार दिया जाता है। फिर इसी तरीके से जो इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उसके भी एफिलिएशंस थे विद द गवर्नमेंट, सो ही वाज आल्सो असैसिनेटेड ऑन 31 अगस्त 1995। अब सिखों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मजालिम हो रहे थे, जिस तरह सिखों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे थे, वहाँ पे इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे, सिख फैमिलीज के ऊपर बड़ा प्रेशर था, तो जो सिख जो यहाँ से कुछ बार जा चुके थे, जो पहले से एस्टेब्लिश थे, उन्होंने एक तंजीम पहले बना चुके थे, इसको कहते हैं सिक्स फॉर जस्टिस। और इसमें उनके बेसिकली उस वक़्त की डिमांड्स थी, जो मैसेकर्स हुए हैं गोल्डन टेंपल में हुआ है उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए, जो जेनोसाइड दिल्ली में हुआ उसका भी हिसाब होना चाहिए, इसके अलावा और भी डिमांड्स से मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो सिक्स फॉर जस्टिस है, इस दे हेल्ड एन ए गैदरिंग जो था 12 अगस्त 2018, और इसमें तमाम सिख थे, ट्रैकफुलर स्क्वायर लंदन में यहाँ पर एक सिखों की गैदरिंग हुई, और दे डिमांडेड फ्रीडम एंड ऑल्सो डिमांडेड थ्रू ए रेफरेंडम फॉर ए फ्री खालिस्तान। उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पर उन्होंने एक गैदरिंग में इस तरीके से, इसमें कहते हैं लाखों के करीब सिख इसमें शामिल थे, और इसमें उन्होंने दो डिमांड किए थे, एक तो ये किया कि जी खालिस्तान एक फ्री खालिस्तान हो चाहे, और इसके अलावा उन्होंने दे ऑल्सो रिजेक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25B2, जिसमें वो कहते हैं कि सिख हिंदू हैं, जबकि सिखों का जिस तरह मैंने पहले बात की, सिख जो दे आर मोनीथीस्ट और वो बुतों पे कोई आइडल वर्शिप पे यकीन नहीं रखते हैं, वो दे बिलीव इन गॉड, तो इस पे उन्होंने सिखों को उन्होंने कहा इसको भी आप हम रिजेक्ट करते हैं। सो ए रेफरेंडम वाज प्लान 2020 में, उन्होंने कहा दुनिया भर में जहाँ पे सिख रहते हैं, पहले उन्होंने कहा फेज़ वन में यहाँ पर रेफरेंडम होगा, और इसके बाद फेज़ टू में इंडियन पंजाब और इस बाकी जगहों पर रेफरेंडम होगा। जब ये रेफरेंडम की बात हुई तो इंडियन पंजाब में दिल्ली में और बाकी जगहों पे काफ़ी इस पे बैनर्स लग गए थे और लोगों ने इस स्टेप को वेलकम किया था, बट समहाउ ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक ये ऐसा हो नहीं सका। लेकिन ये जो रेफरेंडम था इस साल हुआ सितंबर में से ये रेफरेंडम हुआ, और पहले इटली में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, और इस सितंबर में कनाडा में हुआ, कनाडा में मॉन्ट्रियल में बेसिकली टोरंटो में ये हुआ, जहाँ पे लोग बताते हैं कि ऑल द 100% पॉपुलेशन जो थी मॉन्ट्रियल की 1,10,000 सिख जो थे उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया, 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी और 100% सिखों ने इस पे आके इस डिमांड को इंडोर्स किया फॉर ए फ्री खालिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया था विद द कैनेडियन हाई कमिश्नर इन दिल्ली विद द कैनेडियन गवर्नमेंट, तो बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको कोरा जवाब दे दिया था कि जी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अनलेस इसमें कोई वायलेंस होती है तो वो अलग बात है,
उन्होंने कहा था हम इसको रोक नहीं सकते हैं। सो इस वजह से इनके ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं हैं। तो सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर हैं गुरबंत सिंह हैं और बड़े ये प्रोएक्टिव हैं और ये तमाम जो सिक्स फॉर जस्टिस की एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब यही मैनेज करते हैं और सिक्स इसको बड़ा उनको लाइक करते हैं। सिखों के जो बिसाइड हरी मंदिर जो है या गोल्डन टेंपल है वो तो इंडिया में है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह मैंने बात की है ननकाना साहिब जो है जहाँ पे बाबा गुरु नानक पैदा हुए हैं सिखों के लिए, इस इज़ आल्सो मोस्ट वन ऑफ द सेक्रेट प्लेसेस। सेकंड करतारपुरा है, करतारपुरा है नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ पे जो लास्ट डेज थे गुरु नानक के दो वर स्पेंट इन करतारपुरा। तो ये एरिया आई हैव बीन टू दिस करतारपुरा फ्रिक्वेंटली क्योंकि ये वाइल आई वाज कमांडर चिनाब रेंजर्स तो ये मेरे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था, बॉर्डर के ऊपर था, तो हम फ्रिक्वेंटली यहाँ पे जाया करते थे। और पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पे जिस तरह एक ज़बरदस्त किस्म के जो कॉरिडोर बनाया है यहाँ पर सिख इजीली डेरा बाबा गुरु नानक से जहाँ से पहले वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ से वो देखते थे, अब फ्रिक्वेंटली वो आते हैं यहाँ आके अपने रेस्पेक्ट अदा करके वापस जाते हैं। सो क्रेडिट गोज़ टू दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स कि जिन्होंने एज फार एज दी राइट्स ऑफ सिख्स आर कंसर्न उनको लुक और यहाँ पर लुक आफ्टर करने की कोशिश की है। तो अभी ये सिखों के साथ जो है माइनॉरिटीज़, अब इंडिया में अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की जो हालत है वो बहुत बुरी है, स्पेशली जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं और इवन हिंदू दलित जो हैं जो दे फॉर्म द 17% ऑफ पॉपुलेशन, सो दे आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। तो सिमिलरली अभी सिख हैं, सिखों ने तो खुल के अभी अगर डिमांड किया है तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, साउथ और नॉर्थ डिवाइडेड है, खालिस्तान की बात हो रही है, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे एक मसला चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर स्टेट्स जो हैं ऑल द स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। फिर इसी तरह सेंटर में 40% ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया है वो नक्सलाइट के अंदर है। सो देखा जाए तो इंडिया में तो वहाँ पर कोई ऐसा अमन या शांति का कोई नहीं है, शाइनिंग इंडिया में तो वहाँ तो मसाइल दर मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ उनका मीडिया कंट्रोल है और वो एक जो नरेटिव गवर्नमेंट का है वो लेके चलते हैं तो वो इस तरह चीज़ें मंजर आम पे लेके नहीं आते हैं। ताहम सिखों की ये डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड है और ये बड़े स्ट्रांग है, इस पर दे आर डिटरमिन्ड। और अभी भी आप लोग ने जो रिसेंटली वहाँ पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई थी उसको भी वो सिख लीड कर रहे थे। सो लेट्स सी कि इसके पार्ट टू जो अभी जो रेफरेंडम अब्रॉड जब कंप्लीट होती है इसके बाद उन्हें पंजाब में करना है। ऑलरेडी सिक्स फॉर जस्टिस और रेफरेंडम के फेवर में रैलीस निकल रही है, पटियाला हो, चंडीगढ़ हो, अमृतसर है, लुधियाना है, तो अभी जगहों पर ये चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं अगले चंद महीनों में, अगले दो सालों में क्या कुछ होता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।